नमस्कार दोस्तों। तो मैं लाइव वीडियोस शायद नहीं करूँगा क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है मेरे चैनल पे, बहुत सारा ब्रेक हो रहा है वीडियोस। तो एक वीडियो कल, दो वीडियो मैंने कल किया था। एक था 1.5 आवर्स एनोमली कुछ तो था, और दूसरा था गोल्स। तो उसमें से एक मैंने डिलीट किया क्योंकि बहुत सारा ब्रेक हो रहा था, तो रिकॉर्ड करके ही अपलोड करना पड़ रहा है। तो मेरा जो आज का विषय है वो है आर्किटेक्चर, टेंपल्स, फोर्ट, पैलेस, जो भी इंडिया में है। तो आजकल बहुत फेमस टॉपिक जो चल रहा है यूट्यूब पे वो है मड फ्लड्स, टार्टारिया सिविलाइजेशन। तो कोई रशियन है फिलिप ड्रुजिन करके, तो उसने काफ़ी सारा रिसर्च किया हुआ है। उसने बताया कि पहले एक सिविलाइजेशन था टार्टारिया, तो 18th-19th सेंचुरी में, मतलब 1860 में शायद कुछ ऐसा कांड हुआ जिससे बहुत सारे लोग मर गए, तो हमारे हिस्ट्री को पूरा बदल दिया गया। उससे पहले क्या था किसी को नहीं पता आज के ज़माने में। तो मैं उससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैं बताता हूँ कि इवन टार्टारिया से पहले था ये सब, टार्टारिया सिविलाइज जो रशिया में था उससे पहले ही था ये सारे बिल्डिंग्स जो भी हैं दुनिया में। तो हमारा पूरा हिस्ट्री ही गलत हिस्ट्री है। तो सारा इन्वेंटेड हिस्ट्री है, जैसे कि खलबली कैसबल है, पद्मावत, अकबर, बाबर, खिलजी डायनेस्टी, इब्राहिम लोडी, दिल्ली सल्तनत, एवरीथिंग इज़ फेक, झूठ। ऐसे कोई राजा महाराजा नहीं थे। अकबर भी फिक्शन है, अकबर का नाम का कोई आदमी था ही नहीं। तो इंडिया में बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, साउथ के फेमस तंजावुर टेम्पल, और बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं, अगर आपने कभी ठीक से गौर दिया है, अगर आप वहाँ गए हैं जैसे मैं गया हूँ, और मैं हर चीज़ को बारीकी से मैंने देखा है, ये चीज़, ये जो कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, आप में से सिविल इंजीनियरिंग लोग जो हैं, जो जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, आप मेरी बात को मान सकते हैं कि हाथों से, मैनुअल लेबर से नहीं कर सकते इन चीज़ों को। इट इज़ इम्पॉसिबल। अजंता एलोरा हो गया, या ये टेम्पल्स हो गए, इतने बड़े बड़े आलीशान टेम्पल्स हैं, या ये जो बड़े बड़े इमारत हैं, हाँ, रेड फोर्ट है, फिर आगरा फोर्ट है, इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज़ हैंड्स टू कंस्ट्रक्ट दिस। इतने बड़े बड़े पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर, और एक एक 10 टन, 15 टन, हाँ, एक पत्थर है 10 टन, मतलब उसको हाथों से तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए जो ऐसे पुश करके। तो यही वाद विवाद हो रहा है इजिप्ट के बारे में, कि इजिप्ट में जो स्फिंक्स है या पिरामिड है जिसके सामने वो अक्षय कुमार डांस कर रहा था, कौन सा मूवी है जिसमें और कटरीना कैफ इजिप्ट जाते हैं, तो वो मिस्र में जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर वाद विवाद चल रहा है। मैं बोलता हूँ इंडिया में जो भी बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, ताजमहल, आगरा फोर्ट, ये वो सब बनाया गया है, ये एक्चुअली लास्ट 1000 वर्षों में नहीं बनाया। अकबर और ये चोला, ये सारे एक्चुअली गलत हिस्ट्री हैं, ऐसे कोई लोग थे ही नहीं। वो बस अगर थे तो वो उन्होंने इनहेरिट किया इन चीज़ों को, मतलब वो पहले से थे, ये वहाँ जाके अपना थप्पड़ डाल दिया कि मैंने एक बनाया। एक्चुअली उन्होंने नहीं बनाया, उससे पहले बनाया गया था, कोई और ने बनाया, और उन्होंने इंजीनियरिंग, दे हैव यूज्ड मशीन्स, उन्होंने मशीन्स का यूज़ किया है। क्योंकि आज का अगर आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर कैसा है, कि बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, जैसे मुंबई में 30-40 फ्लोर के हैं, लेकिन डब्बा 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 डब्बा,
लेकिन इनका इतना इंट्रिकेट डिटेल, आप ताजमहल देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। हाँ, इवन तंजावुर में जो टेम्पल्स हैं, इतनी बारीकी से, इतना इंट्रिकेट डिज़ाइन, कितने साल लगेंगे यार अगर ये सब आप हाथ से करेंगे तो। इतनी मूर्तियाँ, जैसे कि वारंगल में एक 1000 पिलर्स का टेम्पल है, 1000 पिलर्स मतलब 1000 स्तंभ, कैन यू इमेजिन, 1000 स्तंभ वाले जो, मतलब ये जो जो बनाए गए हैं, डू यू थिंक हाथ से बना सकते हैं? इसके लिए डेफिनेटली इंजीनियरिंग चाहिए, मशीन्स चाहिए, ड्रिलिंग चाहिए। मुझे याद है बहुत साल पहले, 20 साल पहले, मैं एक साउथ के कन्याकुमारी के पास एक गांव है सुचिंद्रम करके, वहाँ मैं देखा कि बहुत सारे स्तंभ हैं, और हर स्तंभ को आप जब आप एक लकड़ी से ऐसे मारेंगे तो संगीत आएगा, तो सारे गामा पा धा नी सा ऐसे करके 7 स्तंभ से 7 सुर आएंगे। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू मेक दिस विथ हैंड्स? कितने साल लगेंगे? अजंता एलोरा में इतने बड़े बड़े स्टैचूज, मैं गया था, मैं एलोरा केव्स गया था जब मैं कृष्णेश्वर गया औरंगाबाद, अजंता नहीं गया लेकिन एलोरा गया। इट्स इम्पॉसिबल, हाथ से बनाना तो इम्पॉसिबल है, इसके लिए मशीन्स चाहिए, क्रेन चाहिए, क्रेन डेफिनेटली चाहिए उठाने के लिए पत्थरों को। और ऐसा सिविलाइजेशन पहले था जिनको रशिया वो बिलीव ड्रुजिन टार्टारिया बोल रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ टार्टारिया से पहले था। सो इंडिया में या पूरे दुनिया में, रशिया में, कहीं भी आप जाओ, ये जो बड़े बड़े इमारत हैं पुराने वाले, ये नॉनसेंस औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, या चोला, राजराज चोला, या टाटरिया, इन लोग ने नहीं बनाया। उससे पहले एक सिविलाइजेशन था जो बहुत ही एडवांस था, उनके पास टूल्स थे, इंजीनियरिंग था, मशीन्स थे, क्रेन्स थे, तो मशीन से उन्होंने पत्थरों को काटा, उठाया और रखा एग्जैक्ट इंट्रिकेट डिज़ाइन में। जैसे अंगोरवट टेम्पल है कंबोडिया में, जिसमें से एक पत्थर से आप सूर्योदय देख सकते हैं जून 21 को, और एक एंड में एक पत्थर है जिसके मतलब विंडो से आप डिसंबर 22 को विंटर सॉल्स्टिस देख सकते हैं। इतना एडवांस इंजीनियरिंग नॉलेज, और ये मिडिल एजेस के जो राजा महाराजा थे उनके पास ये नॉलेज नहीं था। ये सब गलत हिस्ट्री है, ऐसे कोई राजा नहीं थे, और अगर थे भी तो वो लल्लू थे, उन्होंने नहीं किया। क्योंकि हमें हर समय हिस्ट्री में यही बताया गया है कि जैसे कि इजिप्ट में वो पत्थरों को खींच खींच के, खींच खींच के जाके उन्होंने रखा है, उनको ऐसे बनाया गया है। खींच खींच के कैसे ले जाओगे यार, 10 टन 20 टन और ऐसे 1000 पत्थरों को आप कब खींचोगे, कब रखोगे, कब उसका डिज़ाइन बनाओगे, कब मतलब कब होगा? आप पिरामिड्स देखेंगे जो इजिप्ट में हैं, कितने पत्थर हैं, 1000 पत्थर, और एक एक पत्थर 10 10 15 टन का, उसको आप पिरामिड शेप में, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट क्रेन, विदाउट मशीन। तो दूसरा सिविलाइजेशन था, और कुछ तो कांड हुआ जिससे लोग मरे गए। तो ये फिलिप ड्रूजिन बोलता है कि मड फ्लड हुआ है, या सूरज से रोशनी आई है, या कुछ तो टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर हुआ जिससे लोग सब मर गए और फिर से रीपॉपुलेशन हुआ है। तो वो ये भी बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि बाइबल भी 200 साल पहले ही लिखा गया, उससे पहले कोई बाइबल नहीं था, 1000 साल पहले क्राइस्ट था और तब बाइबल लिखा गया है। प्रिंटिंग प्रेस तो गुटनबर्ग हुआ तो 400 साल पहले ही हुआ था, तो उससे पहले बाइबल तो था ही नहीं, हो ही नहीं सकता इनके इस हिसाब से भी देखा जाए तो। वो गुटन बुटन बर्ग हुई, वो भूल जाओ, कोई स्टोन एज नहीं था, कोई आइस एज नहीं था, कोई राय ये स्टूपिड राजा महाराजा नहीं थे, मोस्टली लल्लूज थे, और हमसे बहुत बड़ा हमारे सामने पर्दा है हिस्ट्री का। हमारा जो हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है पुस्तकों में वो एकदम झूठ है। बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन था, बहुत ही बड़े बड़े कद के लोग थे, और ये बड़े बड़े कद के लोगों ने ही ये पूरे इमारत ये सब बनाया है। और सम रीज़न, सम डिज़ास्टर हैपेंड, जहाँ कुछ तो गलत हुआ जिसे बहुत सारे लोग मारे गए और हिस्ट्री मिटाया गया है। क्योंकि ये जो पुराने फोटोग्राफ्स फिलिप्स दिखा रहा है अपने चैनल पे, उसमें देखा गया, मैं भी देखा, मैं हैरान हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग हैं लेकिन एक आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है।
मीलों मीलों बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, एक आदमी भी नहीं है रोड पे, बिल्डिंग्स में एक आदमी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो इन चीज़ों के बारे में भी सोचिए। गोल वोल तो चलता रहता है, जो हमारा सोसाइटी प्रोग्रामिंग है, हमें बताया जाता है आपका एक गोल होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनना है कंपनी में, सक्सेसफुल बनना है, इतना नाम कमाना है, अंबानी जैसे बनना है, चिरंजीवी बनना है, मोदी बनना है, चाय पहले बेचता था उसके बाद आरएसएस में गया, बीजेपी में गया, प्राइम मिनिस्टर बना, उसका मिसाल दिया जाता है, या विराट कोहली बनना है, या शाहरुख खान बनना है, या कोई पुराना महाराजा बनना है, उन सबको बाजू में रखो और सच जानने का कोशिश करो। धन्यवाद।